स्वागत है आप सभी का शर्मिष्ठा एकेडमी में। मैं हूं आपका दोस्त रोहन और आज इस वीडियो के लेक्चर में मैं आप लोगों को खोटा साहित्य की एक यात्रा वृतांत जिसका नाम है तिरुपति के बारे में बताने वाला हूं। तो चलिए शुरू करते हैं। यह जो यात्रा वृतांत है उस यात्रा वृतांत का नाम है तिरुपति और इसकी रचना की गई है पंचम महतो के द्वारा। लेखक अपने मित्र की आँख की चिकित्सा को लेकर चेन्नई गए हुए थे। यहाँ पर जो राइटर हैं उनके एक मित्र है तो उनको आंख से जुड़ी किसी तरह की कोई परेशानी हो गई थी तो उसी के ट्रीटमेंट के लिए जो राइटर हो गए वो अपने मित्र को लेकर गए हुए थे चेन्नई। वहीं से उन्हें तिरुपति जाने का अवसर मिला। तो जब ये राइटर वहां पर चेन्नई चल गए तो चेन्नई जाने के बाद उन्हें तिरुपति जाने का मौका मिलता है। इस मंदिर में दर्शन करने के लिए लाखों लोग आते हैं। तो ये जो मंदिर है इस मंदिर में जो वहां पर भगवान है उस भगवान को देखने के लिए दर्शन करने के लिए मंदिर में लाखों लोग आते हैं, बहुत सारे लोग आते हैं और 2-3 दिन रुककर इसका दर्शन करते हैं। और जब लोग वहां पर पहुंचते हैं तो वहां पर स्टे भी करते हैं और स्टे कितने दिन करते हैं तो 2 से 3 दिन। तिरुपति मंदिर आंध्र प्रदेश राज्य में स्थित है। यह जो मंदिर है जिसका नाम है तिरुपति मंदिर, यह मंदिर जो है भारत के आंध्र प्रदेश राज्य में स्थित है, जिसकी दूरी चेन्नई से 175 किलोमीटर है। यह जो मंदिर हुआ तिरुपति मंदिर, इस मंदिर की दूरी चेन्नई से मात्र 175 किलोमीटर है। यहाँ पर दर्शन करने के लिए 3 प्रकार की व्यवस्था की गई है। तो यहाँ पर जो कोई भी व्यक्ति आते हैं दर्शन करने के लिए तो यहाँ पर उनके लिए 3 प्रकार की व्यवस्था है। पहली व्यवस्था बिना शुल्क के साधारण व्यक्ति के लिए है। तो जो पहली व्यवस्था बनाई गई है वो साधारण व्यक्ति के लिए है जिसमें कि किसी भी तरह की कोई भी शुल्क की जरूरत नहीं होती है। दूसरी और तीसरी व्यवस्था जो है वह शुल्क के साथ और वीआईपी के लिए है। तो यहाँ पर जो दूसरी व्यवस्था हो गई वह शुल्क के साथ है और तीसरी व्यवस्था जो हो गई वो हो गई सिर्फ वीआईपी के लिए। यहाँ पर दर्शन करने वाले लोगों के लिए कुल 30 से 35 रेस्ट रूम बने हुए हैं। तो यहाँ पर कोई भी व्यक्ति जो आएंगे दर्शन करने के लिए तो इन सारे लोगों के लिए रेस्ट रूम की इंतजाम की गई है। तो यहाँ पर कुल कितने रेस्ट रूम है तो रेस्ट रूम की कुल संख्या 30 से 35। इस मंदिर की संपूर्ण व्यवस्था सरकार के द्वारा की जाती है। तो यहाँ पर जो मंदिर है इस मंदिर में जितने भी तरह की जो अरेंजमेंट की गई है वो सारी की सारी व्यवस्था जो है वो सरकार के द्वारा है। इसकी सारी व्यवस्था की जाती है सरकार के द्वारा। यह भारत का सबसे धनी मंदिर है। भारत में अगर सबसे धनी मंदिर को देखा जाए तो यही मंदिर है जिसका नाम है तिरुपति। अगर यह वीडियो आपके लिए हेल्पफुल रहा हो तो इस वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और इस चैनल पर अगर आप पहली बार आए हुए हैं तो कृपया चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए।